आप देख रहे हैं द क्रेजी मैन न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। हम बच्चे हिंदुस्तान के द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। इस देश का भविष्य, इस देश का कल, बच्चे देखिए, यहाँ ये नगलिया रोड है और यहाँ सेंटर है और सेंटरों का गढ़ है सेंटर नोएडा में। कल ये न्यूज दिखलाया हूँ, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ, पूछता हूँ, जो बच्चे यहाँ IAS अफसर बनना चाहते हैं, PCS अफसर बनना चाहते हैं, इस देश के लिए क्या बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अभी मैं उनसे सवाल करूंगा। जनता मुराद का मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने खड़े हैं देश का कल, देश का भविष्य। भैया वेलकम है हमारे न्यूज चैनल में। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहें तो देश के लिए क्या करना चाहेंगे? देश के लिए क्या करना चाहेंगे बताइए साहब, बताइए आप, बताइए। पहले कुछ मन तो जाना पड़ो, जब तक देश के लिए कुछ करेंगे। देखिए, देश के लिए हर मन में सपना है, हर दिल में सपना है, सपना है ना, देशभक्ति का। कुछ देशभक्ति का तो सपना है, लेकिन आदमी चाहता है कि मैं IAS बनूं, PCS बनूं, हर किसी के मन में। हाँ, से मैं ये नहीं कहता कि आप ना बनिए, लेकिन देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के वीरों को सलाम है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, उनके मार्ग बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहेंगे, हमें उनके बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहेंगे। भगत सिंह नहीं, आप नहीं, भगत सिंह जैसे शेर का देश, और हम कहीं ना कहीं डरते हैं, सच बोलना, डरते हैं, डर लगता है। देखिए, देश का कल भविष्य, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए, जनपद मुरादाबाद का ठाकुरवाड़ा तहसील, ठाकुरवाड़ा तहसील हम पहुंचे हुए। देखिए, नगलिया रोड है और ये देश, देखिए, स्टूडेंट, युवा देश की धरोहर। सर हिंदुस्तान के हम वासी, हिंदुस्तान हमारा मूल, हमारा देश है। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? बनना तो IAS PCS चाहते हैं। IAS PCS ही जाते हैं ना, लेकिन भगत सिंह ना IAS बने ना PCS बने, और भगत सिंह का बेटा सगीर उपचंगी पांडे आज उसी रास्ते पर चलता है। लोग भीड़ में कहते हैं पागल, धूप के अंदर रास्तों में तप कर जो मैं कर रहा हूँ। वाकई क्या भगत सिंह पागल थे? नहीं, मैं पागल नहीं। तो जो देश के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं, देश के लिए जीना चाहते हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें पागल क्यों कहता है समाज? कौन पागल कह रहा? समाज ने पागल ही कहा है, और इतिहास इस चीज का गवाह, इस चीज का गवाह है, और इतिहास भी पागलों ने ही रचा है। जिन्हें समाज ने पागल कहा है, जिन्हें लोगों ने पागल कहा है, उन्होंने इतिहास लिखे हैं, इतिहास रचा है। आप युवा हैं, देश की धरोहर हैं, स्टूडेंट हैं, अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, MTech कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, लेकिन सर देश के लिए क्या बनना चाहेंगे? देश के लिए भगत सिंह चाहते तो IAS बनते, PCS बनते, लेकिन लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, और द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखलाने का एक स्टूडेंट। देखिए, बड़े दुख की बात है, भगत सिंह का देश, भगत सिंह जैसे शेर का देश, और लोग डरते हैं, प्रश्नों से भागते हैं। सर प्रश्नों से भागते हैं, ये सही नहीं है। जो मैं दिखला रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, आप देश के लिए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं? भैया छोटा सा प्रश्न है, देश में अगर आप कुछ बन जाएंगे तो देश के लिए क्या करेंगे? सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा। वेरी गुड, सैल्यूट है। जो देश की सेवा करेगा वो सगी रूप चंकी पांडे का भाई, भगत सिंह का बेटा सगी रूप चंकी पांडे। हमेशा सच दिखलाने की हिम्मत, सच दिखलाने का हौसला पत्रकारों में गिनती भी नहीं थी। मीडिया के अंदर लोग जानते नहीं थे, साइकिल से आज भी खुला साइकिल से घूमता हूँ, और चैलेंज है मेरा, जो दिखलाता हूँ सच, और सच तो दिखला कर रहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान किसी नेता या किसी पार्टी के बाप की जागीर नहीं, हिंदुस्तान का बेटा सगीर उपचंगी पांडे।
भगत सिंह जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए देश के बच्चे, देश की धरोहर, ये देश का कल है, ये देश का कल है। भैया भैया आप अगर कुछ बन जाएंगे तो क्या करेंगे इस देश के लिए? समाज सेवा करेंगे। वेरी गुड, चैल्यूट है। और देखिए जो भगत सिंह ने किया, उनके जज्बे को सलाम है ना, सलाम करते हैं। देखिए वीर वीर इस देश में भगत सिंह हर घर में पैदा होंगे, भगत सिंह तो हर घर में पैदा होंगे। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। देखिए सर, सर छोटा सा प्रश्न है मेरा, सर सर नहीं बोल, नहीं चलिए कोई चीज ही नहीं है, नहीं बोल सकते कुछ नहीं है, लेकिन सच बोलना जरूरी है, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो कल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए भी हमें तैयारी सर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस देश के लिए भी। तो सर इन्हें बताइएगा, शिक्षा दीजिएगा कि देश के लिए भी कुछ करना है। ठीक है, बिल्कुल। जी जी, नालंदा वाले मुझे सर जानते हैं, और सर उन्होंने लिखा जी 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 जी। और देखिए इस देश में ये IAS की तैयारी कर रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस देश के लिए, इस देश का सपना था, भगत सिंह का सपना था कि इस देश में हिंदुस्तान की धरती पर एक एक पापी का नाश कर दूंगा और इस देश में तभी शादी करूंगा। भगत सिंह की माँ ने कहा मैं आपकी भैया IAS PCS की तैयारी कर रहा है, हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। अरे बहुत स्थिति खराब है, देश के लिए कुछ करना चाहिए। सैल्यूट है सर, सैल्यूट। देखिए जो देश के लिए कुछ ना करे वो हम करेंगे, आप करेंगे, आपके जज्बे को सैल्यूट। और जो भगत सिंह ने किया वो हम करेंगे। वेरी गुड, एक भगत सिंह और पैदा हो, एक भगत सिंह और, भगत सिंह हर घर में भगत सिंह पैदा होंगे। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल का वादा, द क्रेजी मैन न्यूज चैनल का वादा, हर घर में भगत सिंह पैदा करके नहीं होंगे तो पैदा करके दिखलाऊंगा। IAS की तैयारी कर रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं हर घर में भगत सिंह पैदा करके दिखाऊंगा। हौसला सच निकालने का द क्रेजी मैन न्यूज।